आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ महाभारत सभा पर अध्याय 12। महर्षि वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन जनमेजय जी, सिंह के समान गिरीवा वाले ये महातेजस्वी राजा लोग कहीं एक एक आसन पर दो दो, कहीं अलग अलग एक एक आसन पर एक ही व्यक्ति बैठे। इस प्रकार उन्होंने वहां रखे हुए बहुसंख्यक विचित्र सिंहासनों को ग्रहण किया। हे राजन, जैसे महाभाग देवताओं का समागम होने पर स्वर्ग लोक सुशोभित होता है, वैसे ही उन आगंतुक नरेशों से उस सभा की बड़ी शोभा हो रही थी। हे महाराज, वह सबके सब वेद वेत्या एवं सूर वीर थे। उनके शरीर तेज से प्रदीप्त तो हो रहे थे। उनके बैठ जाने पर वहां सुहृदों की दूत क्रीड़ा आरंभ हुई। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, ये समुद्र के आवर्त में उत्पन्न हुआ कांतिमान मणि रतन बहुत बड़े मूल्य का है। मेरे हारों में ये सर्वोत्तम है तथा इस पर उत्तम सुवर्ण मढ़ा गया है। हे राजन, मेरी ओर से यही धन गांव पर रखा गया है, इसके बदले में तुम्हारी ओर से कौन सा धन गांव पर रखा जाता है जिसे धन के द्वारा तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, मेरे पास भी मणियां और बहुत सा धन है, मुझे अपने धन पर अहंकार नहीं है, आप इसे जुए में जीतिए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, तदंतर पासे फेंकने की कला में अति प्रवीण शकुनी ने उन पासों को हाथ में लिया और उन्हें फेंककर युधिष्ठिर से कहा, लो ये दांव मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, हे शकुनी, तुमने छल से इस दांव में मुझे हरा दिया, इसी पर तुम गर्वित हो गए हो, आओ हम लोग पुनः परस्पर पासे फेंककर जुआ खेलें। मेरे पास शास्त्रों निष्कों से भरी हुई बहुत सी सुंदर पेटियां रखी हैं, इसके सिवा खजाना है, अक्षय धन है और अनेक प्रकार के सुवर्ण हैं। हे राजन, मैंने ये सब दांव पर लगा दिया, मैं इसी के द्वारा तुम्हारे साथ खेलता हूँ। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, लो ये दांव भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, हे सुबल कुमार, मेरे यहाँ एक सहस्त्र मतवाले हाथी हैं जिनके बांधने के रस्से सुवर्णमय हैं, वह सदा आभूषणों से अलंकृत रहते हैं, उनके कपोल और मस्तक आदि अंगों पर कमल के चिन्ह बने हुए हैं, उनके गले में सोने के हार सुशोभित तो होते हैं, वह सबके सब बड़े बड़े नगरों को भी नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, उनकी कांति नवीन मेघों की गदा के समान है। हे राजन, ये मेरा धन है जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसी बातें कहते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर से शकुनी ने हंसकर कहा, इस दांव को भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, मेरे पास उतने ही अर्थात एक सहस्त्र रथ हैं जिनकी ध्वजाओं में सोने के डंडे लगे हैं, उन रथों पर पताकाएं फहराती रहती हैं, उनमें सधे हुए घोड़े जोते जाते हैं तथा विचित्र युद्ध करने वाले रथी उनमें बैठते हैं। हे राजन, ये मेरा धन है, इसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उनके ऐसा कहने पर बैरी दुरात्मा शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, लो ये दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, मेरे पास तीतर पक्षी के समान विचित्र वर्ण वाले गंधर्व देश के घोड़े हैं जो सोने के हारों से सम अलंकृत हैं। शत्रुदमन चित्ररथ गंधर्व ने युद्ध में पराजित एवं तिरस्कृत होने के पश्चात संतुष्ट हो गांडीव धारी अर्जुन को प्रेम पूर्वक वे घोड़े भेंट किए थे। ये राजन, ये मेरा धन है
जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, ये सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, ये दांव भी मैंने ही जीता है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की 400 निधियां खजाने से भरी हुई पेटियां हैं, प्रत्येक में 5-5 द्रोण विशुद्ध सोना भरा हुआ है। वो सारा सोना तपाकर शुद्ध किया हुआ है, उसका मूल्य आका नहीं जा सकता। ये भारत ही मेरा धन है, जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पूर्ववत पूर्ण निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, ये गांव भी मैंने ही जीता। सागर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।